कूलिंग सिस्टम का ब्रांडेड कंपनी का नंबर वन कंपनी है एम्बर को, छोटा कंप्रेसर 0.25 HP, मतलब के 0.4 टन का, जहां पे अपना मटेरियल टैंक में रहता है उसको ठंडा करने के लिए उसका कंप्रेसर है और उसका कंडेंसर है, बड़ा कंप्रेसर है उसका कंडेंसर पीछे की साइड है, वो भी हम आपको घुमा के दिखाएंगे। 1.5 HP का कॉपर का हेवी ड्यूटी मोटर डाला हुआ है दोस्तों, प्लस यहाँ पे डबल बेल्ट सिस्टम डाला है, अगर एक बेल्ट कभी लूज हो जाता है टूट जाता है तो आप दूसरा बेल्ट भी मशीन को कवर करता है, आपका बिजनेस रुकता नहीं, आपका बिजनेस खड़ा नहीं रहता है दोस्तों। प्लस यहाँ पे अगर कभी बेल्ट लूज हो जाता है तो ये बोल्ट को टाइट करके आप मोटर नीचा करेंगे, इसलिए वापिस आपके 6-7 महीने और चल जाएंगे दोस्तों। एक बार मोटर इसका बेल्ट लूज हो गया, 2 बोल्ट टाइट करके 6 महीने का लाइफ और बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट में यहाँ पे स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम डाला हुआ है दोस्तों। ये सिस्टम क्या काम करता है कि आपका कल सुबह मशीन में कोई इश्यू हो, कोई फॉल्ट आता है तो नीचे कोई सामान कोई पार्ट्स के ऊपर नहीं जाने देता है। एग्जाम्पल तौर पे कि बिना मटेरियल अगर कोई मशीन चलती है तो डैमेज होती है, चाहे मेरी मशीन लेंगे, चाहे दूसरी कोई कंपनी की लेंगे, चाहे टेलर कंपनी की मशीन लेंगे, बिना मटेरियल चलेगी मशीन डैमेज होगी। ये सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है कि जब मटेरियल आखिरी मशीन में 15 कौन का मटेरियल है, ऑटोमेटिक डिस्प्ले में अलर्ट देगा मटेरियल अलर्ट। आखिरी जब 5 कौन बचेंगे तब ऑटोमेटिक आपकी मशीन बंद हो जाएगी और डिस्प्ले पे रीजन आएगा कि मटेरियल कम है उसकी वजह से आपकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली 2023 के एडवांस डिजिटल सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के सभी मॉडल, डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी के पास जितने भी मॉडल 2023 के लेटेस्ट मॉडल है उनकी सबकी वीडियो आज एक ही साथ हम बना रहे दोस्तों। तो वीडियो के अंदर दोस्तों आपको जानकारी देंगे कि हमारी मशीन और बाजार में जो मशीनें मिलती है उसमें क्या फर्क है, हमारी मशीन की क्या क्या खासियत होती है, हमारी मशीन में क्या क्या सिस्टम होता है, हमारी मशीन में कौन सी कंपनी के कंप्रेसर लगे रहते हैं, कितने पावर का कंप्रेसर है, उसमें क्या एडवांस सिस्टम है, क्या क्या फंक्शन है, मशीन को ओपन करके खोल के पूरी डिटेल वाइज बताएंगे दोस्तों। ये वीडियो के अंदर पूरी मशीन को ओपन करके कि अंदर के मशीन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक जेन्युइन और प्रोफेशनल सॉफ्टी कैसी होनी चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, उसका क्रीमिनेस कैसा होना चाहिए, डिजिटल एयर पंप क्या होता है, स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन क्या होता है, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, अगर आप एक्चुअल मशीन लेते हो तो उसकी प्रोडक्शन क्या होती है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही चीपर और लोकल कंपनी की जो मशीनें मिलती है, लो ग्रेड की जो मशीनें मिलती है दोस्तों, उसके अंदर प्रोडक्शन नहीं मिलता है, क्वालिटी नहीं मिलता है, आइसक्रीम का टेस्ट नहीं बनता है, और एक साथ में अगर 4-5 कस्टमर इकट्ठा आ जाते हैं दोस्तों तो आप कस्टमर को आइसक्रीम दे नहीं सकते हो दोस्तों, आइसक्रीम पिघल जाती है दोस्तों, लिक्विड बन निकलने लगती है, मशीन को कस्टमर को बोलना पड़ता है 5 मिनट रुकिए हम आपको देते हैं आइसक्रीम, तो कस्टमर रुकते नहीं है। तो ये सब चीज लोकल कंपनी और लो कॉस्ट की मशीन के अंदर आते हैं, और हमारी मशीन में क्यों नहीं आते उसकी आज डिटेल्स वाइज जानकारी देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप देखेंगे तभी आपको ये चीज की मालूमात और तभी आपको ये चीज की नॉलेज मिलेंगी कि क्या क्या चीज मशीनों में फंक्शन होती है और क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम को गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये चारों चार मॉडल हमारी पड़ी है, आपके बजट के अनुसार आप चारों में से कोई भी मशीन ले सकते हो, सभी मशीन एडवांस फंक्शन 2023 के लेटेस्ट मशीन है, सभी मशीनों में सभी सिस्टम लगाई हुई है, कोई भी मशीन में ऐसा नहीं कि ये सिस्टम इसमें है और इसमें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से सिंगल फ्लेवर लेना है, 2+1 टेबल टॉप लेना है, 2+1 फ्लोर लेना है और 2+1 रेम्बो मॉडल लेना है, आप चारों चार में से कोई भी एक मॉडल सिलेक्शन कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहली हमारी कॉम्पैक्ट और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन A4 साइज के पेपर के साइज की आपको दोस्तों, A4 साइज का जो पेपर रहता है 7 से 8 इंच का इसका साइज है और एकदम छोटी सी जगह पे आप इसको रख सकते हो, तो A4 पेपर साइज की दोस्तों हमारे पास। देखो A4 का पेपर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसका साइज देख सकते हैं, A4 के साइज का जो पेपर है, अगर A4 का पेपर भी बड़ा इससे, देखिए दोस्तों ये A4 का पेपर भी यहाँ पे टर्न हो रहा है, उससे भी छोटी साइज की मशीन है दोस्तों। मशीन की कैपेसिटी हाई प्रोडक्शन हाई कैपेसिटी है, 1 घंटे में 70 से 80 कौन का प्रोडक्शन मशीन में से ले सकते हो दोस्तों। पूरी मशीन डिजिटल ऑपरेटेड टच डिस्प्ले दिया गया है, वॉश कैसे करना है, आइसक्रीम कैसे जमाना है, मशीन में कितना टेम्परेचर है, कितना हार्डनेस है, कितना सॉफ्टनेस है, कितना आइसक्रीम निकला है, कितना निकलना बाकी है, ये टोटली आपको डिजिटल डिस्प्ले टोटली आपको गाइड देती है दोस्तों, वर्किंग टाइम में गाइड देती है। कल सुबह कोई फॉल्ट या प्रॉब्लम आती है तो डिस्प्ले ही आपको उसकी रिजल्ट करने का रिसोल्व करने का सिस्टम बताती है कि इसको फॉल्ट को कैसे सोल्व किया जाता है दोस्तों।
प्लस यहां पे मटेरियल में टैंक खत्म हो जाता है या टैंक में मटेरियल खत्म हो जाता है दोस्तों, तो डिस्प्ले आपको अलर्ट देती है, लो मिक्स अलर्ट मटेरियल आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडल है 2+1 फ्लोर मॉडल है, ये 2+1 टेबल टॉप मॉडल है दोस्तों। इसका कोन होल्डर यहां पे हमने लगाया हुआ है, यहां पे कोन आप लेके कस्टमर को सर्विंग दे सकते हो। दो अलग अलग फ्लेवर है, बीच में से आप मिक्स फ्लेवर निकाल सकते हो। इसके अंदर भी डिजिटल टच डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, वॉश बटन है, फ्रीज बटन, नाइट मोड भी दिया है। मशीन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो भी ये सेटिंग का बटन, मशीन के अंदर काउंटिंग 0-0 करना है आपको, हार्डनेस बढ़ाना है, हार्डनेस कम करना है, एयर कम डालना है, एयर ज्यादा फील करना है, तो टोटली चीज आप डिस्प्ले में से सेट कर सकते हो। मशीन पूरी दोस्तों स्टेनलेस स्टील से बनाई है, कहीं पे भी लोहा एमएस हमने यूज नहीं किया दोस्तों। पूरी मशीन में स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन ने डबल कंप्रेसर सिस्टम डाला हुआ है दोस्तों। उसके बाद अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है, जगह नीचे से लेके ऊपर तक रखना है, तो आप ये फ्लोर मॉडल 2+1 ले सकते हो। ये भी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, डबल कंप्रेसर सिस्टम है, स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन है, डिजिटल टच डिस्प्ले दिया गया है, डिजिटल एयर पंप सिस्टम है, ऑटो रिमूवेबल हैंडल है, ऑटोमेटिक हैंडल रिमूव हो जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट मॉडल है यहां पे हमारे पास रेम्बो मॉडल 2+1 प्रीम प्लेटेनियम मॉडल है, दो अलग अलग फ्लेवर बीच में से मिक्स निकाल सकते हो, प्लस यहाँ पे रेम्बो टॉपिंग टाइप का आइसक्रीम आप निकाल सकते हो। ये मशीन के अंदर भी दोस्तों स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन, डबल कंप्रेसर, एम्बर्को कंपनी का कंप्रेसर, बड़ा कंडेंसर सिस्टम है, सभी चीज इसके अंदर लगाया हुआ है। यह मशीन को हम आपको खोल के ओपन करके भी बताएंगे दोस्तों। इसमें ऑलरेडी हमने वेनिला का फ्लेवर फिलअप किया हुआ है, इसके अंदर टैंक में फ्लेवर आपको दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें दोनों टैंक में हमने वेनिला का फ्लेवर दिया है, और ये टैंक भी पूरा स्टील बॉडी का है, प्लास्टिक का टैंक नहीं है दोस्तों इसका, आप देख सकते हैं। और इसका कूलिंग आ रहा है, देखो दूसरा कंप्रेसर यहाँ पे चिलिंग कर रहा है, इसका साइड का टैंक का देखिए परफॉर्मेंस के साइड में इसमें कूलिंग आ रहा है। जो गर्मियों के मौसम में आपने जो डाला हुआ जो मिल्क है वो आपका फटेगा नहीं, मिल्क खराब नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसमें से आपको मैं कौन निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से मिक्स में से वेनिला का फ्लेवर निकालेंगे, ऑलरेडी हमने इसमें वेनिला का फ्लेवर डाला हुआ है, अभी हम इसमें से वेनिला का फ्लेवर निकालेंगे। बेहतरीन क्वालिटी का वेनिला का एकदम सॉफ्ट और क्रीमी फ्लेवर है दोस्तों, जरा भी आइस क्रिस्टल नहीं, और एकदम लो वेट है, हल्का फ्लेवर है, एयर फील किया हुआ है इसके अंदर दोस्तों। इसको मैं उल्टा करके भी दिखाता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी देर तक आप इसको उल्टा रख सकते हो, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी फ्लेवर है इसका, आप देखिए लो वेट एकदम हल्का है दोस्तों। कितना हमने आइसक्रीम का क्वांटिटी भी ज्यादा भरा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कौन भर के हम इसको उल्टा कर रहे दोस्तों, इसका क्वांटिटी में हमने 2-3 राउंड भरा हुआ है इसके अंदर दोस्तों। और एकदम इसका हल्कापन स्मूथ देखिए दोस्तों, इसका क्रीमीनेस देखिए, देख सकते हैं पूरा, देखिए इसका क्रीमीनेस देख सकते हैं पूरा, ये देखिए जरा भी क्रिस्टल आइस नहीं आ रहा इसके अंदर दोस्तों, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम है इसका, देखिए क्वालिटी, ये वेनिला का फ्लेवर है हमने। उसके बाद दोस्तों आपको मैं इसमें टॉपिंग्स वाला आइसक्रीम निकाल के बताता हूँ। इसमें हमने ऑलरेडी ब्लैक करंट का टॉपिंग्स डाला है, वेनिला का आइसक्रीम है, इसका टॉपिंग्स का स्विच यहाँ पे दिया गया है, हम टॉपिंग्स का स्विच एक बार पुश करेंगे, अभी इसमें से हम टॉपिंग्स वाला आइसक्रीम निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं टॉपिंग्स बॉर्डर लग के निकला है, जरा भी बॉर्डर निकल नहीं रहा है, बह नहीं रहा है दोस्तों। ये आप देखिए इसका बॉर्डर देखिए, चारों साइड से प्रॉपर ब्लेड लगा है इसका, ब्लैक करंट का सिरप हमने डाला है, इसका ब्लैक करंट का टॉपिंग्स चारों साइड से चिपक के आइसक्रीम के साथ लग के निकला है दोस्तों। इसको भी हम उल्टा करके दिखा रहे हैं दोस्तों, देखिए इसका ना तो टॉपिंग्स निकल रहा है ना तो आइसक्रीम गिर रहा है, एक बूंद भी आइसक्रीम टपकता भी नहीं है, पिघलेगा भी नहीं है आइसक्रीम, क्योंकि इसमें एयर फिल किया हुआ है, जिसमें एयर फिल नहीं किया रहता है वो आइसक्रीम तुरंत पिघलने लगता है, लिक्विड मिलने लगता है, आउटसाइड का टेम्परेचर जब उसको मिलता है तो तुरंत पिघलने लगता है दोस्तों। और एक दोस्तों मैं आपको इसमें जंबो कोन भर के बताता हूँ दोस्तों, हैवी कोन भर के बताता हूँ दोस्तों, एक साथ 5-6 राउंड का बड़ा टर्निंग बना के दिखाता हूँ इसके अंदर दोस्तों, देख सकते हैं हम यहाँ पे एक दूसरा कौन ले लेते हैं, हम यहाँ से कौन होल्डर में से नया कौन ले लेते हैं, ये कौन होल्डर है, यहाँ से नया कौन ले लिया हमने,
आप देख सकते हैं दोस्तों, 10 कोन का मटेरियल एक ही कोन में भर दिया हमने, 10 कोन का मटेरियल एक ही कोन में भरा इसमें। चालू से अभी हम इसमें से एक जंबो कोन निकालेंगे, आपको बड़ा कोन निकाल के कोन यहां से हम ले लेते हैं, यहां से दूसरा, यहां से हम जंबो कोन निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वालिटी का एक ही टन में हमने 10 कोन का माल निकाल दिया दोस्तों। इससे आप छोटे छोटे 10 कोन भर सकते हैं, उतना मटेरियल एक ही टन में हमने ले लिया इसमें। और अगर आपको एट्रेक्टिव वाला कोन भरना है तो इसको आप उल्टा कोन करके भी भर सकते हो। मैं आपको उल्टा कोन भरना भी बता दू कि इसको उल्टा कोन रख के आप कैसे भर सकते हैं। आप देख सकते हैं उल्टे कोन के अंदर हमने आइसक्रीम भरा हुआ है, यहाँ पे आइसक्रीम के बॉर्डर के ऊपर उल्टे कोन के ऊपर हमने इसमें कोन भरा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और एकदम स्मूथ और क्रीमी है, देखिए एकदम लो वेट है, उल्टे कोन में भी आइसक्रीम रह रहा है यहाँ पे, पीछे से भी उसकी पकड़ कितनी मजबूत है आप देखिए दोस्तों, क्योंकि इसका वेट ही नहीं है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम है दोस्तों, प्रोसेस किया हुआ है इसके अंदर, मशीन में डिजिटल एयरपंप सिस्टम डाला है जो आइसक्रीम को प्रोसेस करता है बेहतरीन क्वालिटी से, एकदम हल्का और स्मूथ और क्रीमी बनाता है दोस्तों। अभी दोस्तों हम आपको मशीन की यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिखाएंगे कि वर्किंग मशीन की क्या इंट्रोडक्शन होती है, मशीन में क्या क्या प्रोग्रामिंग फिलहाल चल रहा है, वो डिस्प्ले क्या बताती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टैंक दिखा रहा है कि कितना आपका टैंक भरा है, आपको बार बार खोल के देखना जरूरी नहीं कि मेरा टैंक कितना भरा है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना आपका टैंक भरा है और उसका टेम्परेचर 7 का शो कर रहा है। यहाँ पे -6 का टेम्परेचर सिलेंडर का, जहाँ पे आइसक्रीम जम रही है, आपका आइसक्रीम कितना परसेंट तैयार है, 94% तैयार है, मतलब ऑलमसोल तैयार ही आइसक्रीम, ये कौन बन के तैयार हो चुका है। एक बार इसको पुश करेंगे, यहाँ से कितना कौन निकला है, 19 पीस निकला हुआ है, ऊपर से वोल्टेज कितना आ रहा है, तो यहाँ से वोल्टेज दिखा रहा है आपको कितना वोल्टेज आ रहा है, 237 वोल्टेज आ रहा है, कितना स्पीड से मोटर घूम रहा है इसके अंदर। हर एक चीज का इंट्रोडक्शन आपको मशीन लाइव दिखा दिए दोस्तों, इसमें आपको कोई भी चीज खोल के ओपन करके देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिस्प्ले देख लेंगे इसलिए आपको मालूम हो जाएगा कि मशीन की पोजीशन क्या है और मशीन की इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें मशीन को ओपन करके खोल के हम बताने वाले, तो थोड़ा वीडियो को पीछे जाने दीजिए थोड़ा, ये मशीन हम निकालेंगे बीच में से। अभी मशीन का साइड बॉडी हमने दोस्तों ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, ये साइड बॉडी है। मशीन के अंदर 1.5 HP मतलब 1.25 टन का एम्बरको कंपनी का हैवी ड्यूटी कंप्रेसर है दोस्तों। ऐसा कंप्रेसर आपको बाजार में कोई भी कंपनी के पास नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं पूरा कंप्रेसर का क्वालिटी, एम्बरको करके, एम्बरको कंपनी का कंप्रेसर का नाम सुनना है आप तो गूगल में एक बार एक कंपनी का नंबर आप सर्च करना, एम्बरको सिर्फ लिख के देखना तो आपको मालूम होगा कि कितना बड़ा कंपनी है, वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का कूलिंग कंपनी, कूलिंग सिस्टम का ब्रांडेड कंपनी का नंबर वन कंपनी है एम्बरको। छोटा कंप्रेसर 0.25 HP मतलब के 0.4 टन का, जहां पे अपना मटेरियल टैंक में रहता है उसको ठंडा करने के लिए उसका कंप्रेसर है और उसका कंडेंसर है, बड़ा कंप्रेसर है उसका कंडेंसर पीछे की साइड है, वो भी हम आपको घुमा के दिखाएंगे। 1.5 HP का कॉपर का हेवी ड्यूटी मोटर डाला हुआ है दोस्तों, प्लस यहाँ पे डबल बेल्ट सिस्टम डाला है, अगर एक बेल्ट कभी लूज हो जाता है, टूट जाता है, तो आप दूसरा बेल्ट भी मशीन को कवर करता है, आपका बिजनेस रुकता नहीं, आपका बिजनेस खड़ा नहीं रहता है दोस्तों। प्लस यहाँ पे अगर कभी बेल्ट लूज हो जाता है तो ये बोल्ट को टाइट करके आप मोटर नीचा करेंगे, इसलिए वापस आपके 6-7 महीने और चल जाएगा दोस्तों। एक बार मोटर इसका बेल्ट लूज हो गया, 2 बोल्ट टाइट करके 6 महीने का लाइफ और बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट में यहाँ पे स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम डाला हुआ है दोस्तों। ये सिस्टम क्या काम करता है कि आपका कल सुबह मशीन में कोई इश्यू कोई फॉल्ट आता है तो नीचे कोई सामान कोई पार्ट्स के ऊपर नहीं जाने देता है। एग्जाम्पल तौर पे कि बिना मटेरियल अगर कोई मशीन चलती है तो डैमेज होती है, चाहे मेरी मशीन लेंगे, चाहे दूसरी कोई कंपनी की लेंगे, चाहे टेलर कंपनी की मशीन लेंगे, बिना मटेरियल चलेगी मशीन डैमेज होगी। ये सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है कि जब मटेरियल आखिरी मशीन में 15 कोन का मटेरियल है, ऑटोमेटिक डिस्प्ले में अलर्ट देगा मटेरियल अलर्ट,
आखिरी जब पांच कौन बचेंगे तब ऑटोमेटिक आपकी मशीन बंद हो जाएगी और डिस्प्ले पे रीजन आएगा कि मटेरियल कम है, उसकी वजह से आपकी मशीन खड़ी है। वैसे ही ऊपर से हाई वोल्टेज आ जाएगा, डिस्प्ले पे अलर्ट आ जाएगा हाई वोल्टेज, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम डिस्प्ले को अलर्ट करेगा और कोई भी मशीन के प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट के ऊपर उसको लोड नहीं गिराएगा। कल सुबह आपका ये बेल्ट लूज हो जाएगा, डिस्प्ले पे अलर्ट आएगा बेल्ट लूज है, इसको टाइट करेंगे वापस स्टार्ट हो जाएगी और बेल्ट को टूटने नहीं देगा। मोटर हीट हो जाएगी, डिस्प्ले में अलर्ट आएगी मोटर हीटिंग। तो हर एक चीज का ये स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम दिया है, प्लस यहाँ पे जो टैंक रहते हैं उसको पफिंग सिस्टम दिया गया, जिसकी वजह से आपका जो मटेरियल पड़ा है अगर बिजली अचानक से चली जाती है तो 8 घंटे तक आपका मटेरियल दूध जो रहता है वो खराब नहीं होता है, क्योंकि बाहर का हीटिंग अंदर नहीं जाता है, अंदर का ठंडक बाहर नहीं निकलता है, उसका केमिकल यहाँ पे फील किया है। ये केमिकल है टैंक में भी किया और यहाँ सिलेंडर में भी किया है जहाँ पे आइसक्रीम जमती है। अभी मशीन को टर्निंग घुमा के आपको दूसरी साइड की टर्निंग बता देता हूँ मैं। ये दूसरी साइड की टर्निंग जहां पे ये कंडेंसर सिस्टम है, 16 इंच का कंडेंसर है, हैवी ड्यूटी 4 रो का, 16 इंच बाय 16 इंच, 16 इंच बाय 16 इंच का कंडेंसर है, फुल्ली कॉपर वाइड है दोस्तों, कॉपर से बनाया हुआ है, 16 इंटू 4 बोला जाता है इसको। प्लस यहाँ पे एम्बर को एस्पेरा का सिस्टम डाला हुआ है इसका, आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम एम्बर को एस्पेरा का डाला है। प्लस यहाँ पे जो पफिंग सिस्टम आपको बताया वो पफिंग सिस्टम है, प्लस यहाँ पे इसका कौन होल्डर है, कौन होल्डर की पूरी सिस्टम है। तो इस तरह का मशीन दोस्तों, कोई भी आप मशीन लेते हो तो ये सब चीज जानकारी लेना जरूरी है। अगर कंप्रेसर छोटा दिया है, कंडेंसर छोटा दिया है, उसका फैन छोटा दिया है दोस्तों, अंदर कॉपर की जगह एल्यूमिनियम यूज किया तो वो चीज परफॉर्मेंस नहीं देती और 4-6 महीने में वो चीज खराब हो जाती है और क्वालिटी रिजल्ट नहीं देती है। यह मशीन की कैपेसिटी 1 घंटे में 350 कौन की और एक शॉट के अंदर अगर इकट्ठा एक साथ 50 कस्टमर भी आपके पास आ जाते तो एक साथ आप उसको 50 कौन भी निकाल के दे सकते हो दोस्तों। उनको बोलना नहीं है कि 5 कौन के बाद बोलना नहीं है कि रुक जाओ 5 मिनट मशीन में आइसक्रीम जम रहा है, ऐसा आपको नहीं बोलना है। आपको कितना भी गिराकी है, कितना भी कस्टमर है, आप उसको आसानी से चीज दे सकते हो। मशीन की कैपेसिटी है दोस्तों, दोनों टैंक 6-6 लीटर के टैंक है और 2-2 लीटर के हॉपर रहते हैं, हॉपर में 2-2 लीटर मटेरियल आता है और 6-6 लीटर ऊपर टैंक में आता है। एक बार पूरी मशीन को फुल्ली फिलअप करेंगे दोस्तों तो 450 से 500 कप का बैकअप मिलेगा। जैसे ही आपका टैंक आधा कम हो जाता है दोस्तों, ऊपर से टॉपअप एड करके मटेरियल ऊपर से एड कर देना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज हमने आपको डिटेल बताई, जानकारी मशीन की सब क्या क्या खासियत होती है और 2023 में क्या क्या मशीन होती है, तो ये पूरी डिटेल हमने आपको वीडियो में सभी मशीनों में सेम फंक्शन और सेम सिस्टम दिए गए, जो हमने आपको इसमें समझाया वही आप ये चारों में से कोई भी मशीन लेते हो सभी में सेम सिस्टम और सेम फंक्शन रहता है दोस्तों। तो मशीन की प्राइस, मशीन की डिटेल्स, मशीन का डिस्काउंट ऑफर, कैसे मशीन मिलती है, वो सब जानकारी के लिए ब्लिंकिंग में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। हमारी सेल्स टीम दोस्तों मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक दोस्तों एक्टिव रहती है, तो वो टाइम पे आप कॉल करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। प्लस मशीन के साथ दोस्तों हम क्या क्या चीज कॉम्प्लीमेंट्री में देते हैं, जैसे कंप्लीट मशीन विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग मतलब ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपके सिटी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां तक की हम ट्रांसपोर्टिंग पहुंचा के देते हैं। मशीन के साथ 10 किलो आइसक्रीम का पाउडर, एक स्टेबिलाइजर पावर प्रोटेक्शन के लिए, एक फ्लेवर मिक्सचर ब्लेंडर देते हैं और स्पेयर पार्ट ओरिंग वाइसर का किट देते हैं। ये पूरा पैकेज मशीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में दिया जाता है दोस्तों। तो ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस में कॉन्टेक्ट करो दोस्तों। वीडियो पसंद है, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।